हफ्ते फिल्म्स की ऑफर्स हुई, क्यों नहीं की? इजाजत, घर में मसले मसाइल। अच्छा, शुरू से एक फिल्म वाला एक, और किस एरा की फिल्म की बात कर रहे हो पहले तो ये बताओ। जो आजकल जो बन रही हैं यार, अच्छी फिल्में तो बन रही हैं। 90s की ना करती सैयद नूर को भी नाराज किया हुआ। ठिंका ठिंका। वाह, इवन इंडिया से जो फिल्म्स की ऑफर भी आती थी, जो मुझे था नहीं, मुझे लगता है एक बड़ा बोल्ड मीडियम है। मैं अपने आप को स्क्रीन, मैं अपने ड्रामे नहीं देखती, मैं अपने आप को सिनेमा की स्क्रीन पे देख के खुद। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं देखती, मुझे शर्म आ, मैं अपने आप को देखती, मुझे शर्म आती, मुझे अजीब लगता है। ठीक है, बात मैंने कभी अपने ड्रामास नहीं देखे, शोज, आई डोंट नो, मैं बहुत फ्लॉज निकालती हूँ, अजीब सा लगता है मुझे, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। मेरी अम्मी देखती थी बार बार रिपीट में भी देख रही है, मैं कहती अम्मी मुझे बुलाती थी, मैं कहती अम्मी ना देखा करें बार बार, ये क्या बात हुई, पता नहीं मुझे शर्म आती। ये तो बड़ी मतलब होता है कभी कभार, मतलब मैं भी कम देखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शायद सही नहीं हो रही, तो मैं देख के उसको कहता हूँ अच्छा इस पर ये ट्यून कर सकते हैं, वो ट्यून कर सकते हैं, तो थोड़ा सा काम तो देखना जरूरी है, देखना चाहिए, बस मैं नहीं देखती। अब ये क्या लीजिए, देख के मुझे बता देती है। अच्छा हाँ, और उसको कैनेडा में रह के उसको एग्जैक्टली पता है कि जी हेलो ने मेरे बारे में क्या पोस्ट किया है, क्लिप्स आ रही है, नीचे कॉमेंट्स क्या लिख रहे हैं, मुझे भी नहीं जो पता होता वो वहां से रिपोर्ट। सोशल मीडिया के दौर में अब और जब... वो आपकी बहुत बड़ी, मैं बताऊँ, फैन है अलीजे, और अलीजे ने वहाँ कनाडा में जितने उसके इंडिया के चाइनीज फ्रेंड्स या जहाँ के, उनको आपके ड्रामे दिखाती है, पाकिस्तान की ड्रामे दिखाती है, ये जो कोक स्टूडियो उसके गाने उसने वहाँ यूनिवर्सिटी में अपने वायरल कर दिए हैं। वाह वाह, वो माशाल्लाह करती है ये। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है बच्चों को तो, लेकिन देखें जो पेरेंट्स ऑब्वियसली बाहर हैं, मेरे ख्याल से समझाने का एक बहुत आसान तरीका, आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई बेहतरीन किताब है, और उस किताब को अगर आप ख़ुद भी पढ़ें और समझें, तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझाना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मुसलमान घराने का बच्चा है अगर, तो वो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा कि वो हमने थोड़ी मुकाबलेबाजी में लोगों के साथ चलना है कि भाई ये कैनेडा में ही हो रहा है, यूके में ही हो रहा है, तो हम भी यही करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और अल्लाह ताला बेहतरी करें, तरबियत आपकी अच्छी हो, बच्चों को बताते रहें, वो सुन रहे नहीं सुन रहे आप बस बोलते जाएं बोलते जाएं। अब वो रिवाज नहीं रहा, मैंने देखा कि बड़े भी जो ना पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के इस्लामी कहानियां नहीं सुना रहे होते जैसे हमें बचपन में सुनाते थे, अब वो भी नहीं कर रहे होते, कहते बच्चे सुनते ही नहीं। मैंने कहा नहीं, सुनाते रहा करें। हाँ, सुनाते रहे, ऐसे कहानी सुनाएंगे ना बच्चों को, कभी नहीं भूलती। बिल्कुल, बहुत आसान आसान, बल्कि बचपन से अगर बच्चों को, और हमारे टीवी पे आने चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इस्लामिक स्टोरीज क्यों नहीं आती हमारे टीवी पे, किसी चैनल पे भी, क्यों? अच्छी बात है, मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा सख्ती है शायद, इस वजह से कोई इशू है, मैं पता कर सकता हूँ कि कुछ असल में हम दिखा नहीं सकते, देर आर सर्टन थिंग्स जो हम शो नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, बट ये है कि हाँ, उनका जिक्र करके है। जो ऐसी शख्सियात बेशक उनका हाँ, उनका नाम उनका जिक्र हो हाँ, बट बाकी वो आम लोगों को कैसे अफेक्ट कर रही हैं वो दिखाना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर हमने कससुल अंबिया का एक सिलसिला रखा था, बहुत शहरी में मैं बिल्कुल पढ़ता था, और बहुत सारे हमने उस पर चीज़ें डिस्कस की हैं, बट इस दफ़ा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे उलमाए कराम हैं उनसे हम इस तरह से एक एक चीज़ करके डिस्कशन करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो नादिया, पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।